ये आप कहना दिल में जो भावना है ना वो नहीं रुकने देती, अदरवाइज कोई है नहीं, सारे पुलिस वाले तरह ना आपको दुश्मन माने, हर एक चीज हमारे घर वाले भी हमारे इंदराज में आज नूह जिला सचिवालय में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया। आज शनिवार 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नूह जिला हेडक्वार्टर DSP अजय सिंह रहे। इस दौरान मीडिया का बदलाव स्वरूप को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। DSP ने कहा इस कार्यक्रम के शानदार आयोजन के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नूह के अलावा जिला के सभी पत्रकारों को हार्दिक बधाई। मेरी तरफ से सभी को प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और बड़ा खुश अच्छा लगा जब मेरे को यहाँ इनवाइट किया गया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे फंक्शन होते रहें और हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें, और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि वो इन भाइयों का खूब साथ दें ताकि ये अपने काम को आसानी से कर सके। ठीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज? आज प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को, यूट्यूबर्स को, जो इस क्षेत्र की समस्याओं को, जन समस्याओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और एक दर्पण के तौर पर काम करते हैं, उनको सबको दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता हो, द्वेष भावना की पत्रकारिता ना हो, डिफेमेटरी लैंग्वेज की ना भाषा ना बोले, अनपार्लियामेंट्री ना बोले, ताकि क्राइम से बचा जाए। आजकल ऐसी खबरें भी आती हैं जो साइबर क्राइम से फॉरवर्ड कर देते हैं, यूट्यूबर भी करते, फेसबुकिया भी करते और व्हाट्सएप वाले भी कर रहे हैं, उनसे बचा जाए और उस पत्रकारिता से बचा जाए जिसमें किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगे। भाई आसिफ ने जैसे बताया और साथियों ने बताया कि पुष्टि कर ली जाए, वर्जन ले ली जाए और उस वर्जन को इस सशक्त तौर पर प्रस्तुत किया जाए ताकि लोग आपकी वाही वाही करें, आपकी तारीफ करें और लोगों को सही दर्पण क्षेत्र का दिखाएं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ, क्षेत्र की जितनी भी कामयाबी है, जो डेवलपमेंट और एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, वो पत्रकारों तो की मेहनत से हुए हैं, सामाजिक संगठनों की मेहनत से हुए हैं। आप लोगों ने जो मेहनतें पिछले 2 दशकों में की हैं वो शायद ही किसी नेता ने ना की हो। मैं पत्रकार के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, नेताओं ने वो काम नहीं किया जो पत्रकारों ने और संगठनों ने इस क्षेत्र के लिए किया है। हमारा ये खूनी रोड है जो, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत लिखा, इसके आप बधाई के पात्र हैं और हमें विश्वास है सरकार इस पर संज्ञान लेगी और इस क्षेत्र का विकास इससे जुड़ा हुआ है, ये भी एक जीवन रेखा है। और इस क्षेत्र के लिए जो मांग आप बार बार करते हैं, रेल की मांग करते हैं, पानी की मांग करते हैं, जन सुविधा की मांग करते हैं, स्वास्थ्य की मांग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मांग करते हैं, वो आप लोगों की उपलब्धियां हैं और एक दिन वो एक मील का पत्थर साबित होगी, जो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो मैं हमारे DSP हेडक्वार्टर साहब हमारे इसमें आयोजन में आए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि बहुत कीमती समय होता है पुलिस का, सर्वप्रथम। उसके बाद जो है आप सभी पत्रकार साथियों को नेशनल प्रेस डे की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। प्रेस में जिस तरह देखा जाता है, आम बात होती है, उसमें गिरावट आई है, जैन जैन को आपका इशू भी आज यही था। इसमें एक पत्रकार, पुराने पत्रकार होने के नाते को सच को तो सच बोलूं, लोग आम आदमी कई पत्रकारों का तो जब वो TV चलता है तो लोग TV बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? कि उसमें सच्चाई नहीं है। अगर सच आप दिखाओगे तो सच कभी छुपता नहीं है। चेंजिंग आई है, गिरावट आई है, इसको आप लोगों को संभालना पड़ेगा। दूसरा, ऐसी खबरों से बचना चाहिए जिसमें क्षेत्र में कोई विवाद फैले, जातिवाद का विवाद फैले, या कोई ऐसी खबरों को भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा सनसनीखेज बना के नहीं पेश करना चाहिए, जिससे समाज टूटे, बल्कि हम सबको जोड़ने का काम करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा इसमें, मैं यही कहूँगा कि पत्रकारिता का जो पत्थर जनता के बीच में गिरता जा रहा है, हम देश के चौथे स्तंभ हैं, उस गरिमा को बनाए रखना हमारा फर्ज है। खबर में सच्चाई होनी चाहिए, अधिकारी का वर्जन होना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सभी को प्रेस दिवस की मुबारकबाद देता हूँ।